डेटा लीक मामले में फेसबुक प्रमुख को लगा हजारों करोड़ का फटका। महज 5 दिनों में ही डूब गई मार्क जुकरबर्ग के 8 सालों की कमाई। फेसबुक डाटा लीक को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने इस पूरे मामले में माफी तो मांग ली, बावजूद इसके इस विवाद को लेकर देश और दुनिया में खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा का सबसे बड़ा असर फेसबुक के कारोबार पर हुआ। मार्क को इस पूरे विवाद का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डेटा लीक की वजह से मार्क की कंपनी फेसबुक और उनकी निजी दौलत में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है। पिछले 1 हफ्ते के भीतर मार्क की दौलत करीब 53,000 करोड़ रुपए तक कम हो चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक 18 मार्च को उनकी नेटवर्थ करीब $74 अरब थी, लेकिन डाटा लीक का मामला सामने आने के बाद इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोमवार से अब तक घटकर ये $67.3 अरब पर आ गई है। इस हिसाब से महज 5 दिनों के भीतर जुकरबर्ग को करीब $8 अरब यानी करीब 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि इस पूरे विवाद की वजह से सिर्फ मार्क जुकरबर्ग को ही नहीं बल्कि फेसबुक को भी भारी नुकसान हुआ है। डाटा लीक मामले की वजह से कंपनी के करीब 3.8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इस विवाद से जहां जुकरबर्ग को 53,000 करोड़ का नुकसान हुआ, कारोबारी हफ्ते के शुरुआती दिन यानी सोमवार से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 34,93,295 करोड़ रुपए थी, जो शुक्रवार को घटकर 31,13,565 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। आपको बता दें कि मार्क ने साल 2004 में फेसबुक की शुरुआत की थी। अपनी सोशल मीडिया कंपनी की शुरुआत करने के बाद 2012 में मार्क की नेटवर्थ करीब 53,000 करोड़ रुपए पर पहुंची थी, लेकिन डाटा लीक की वजह से जितनी दौलत उन्होंने 8 साल में कमाई थी वो महज 5 दिन में ही डूब गई। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।